यार होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी को क्या लिख रहे हैं, एम वी। इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहे थे तुम्हें, अगर याद हो ये पार्टिकल के लिए था, ये किसके लिए था, पार्टिकल के लिए। लेकिन ये पार्टिकल भी क्या रेट दिखाता है बोला था, वेव नेचर, तुम्हें अगर याद हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। तुम्हें अगर याद होगा, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूला दिए थे, एज बाय एम वी को क्या लिख सकते थे तुम्हें अगर याद होगा, एम वी इज इक्वल, मैंने क्या दिया था, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट किया था। और इसको मैंने ये भी बोला था, एज बाय ई के को क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू वी लिख सकते हो, ठीक है, क्यू इंटू वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब अभी इसी का यूज़ होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इन्हीं सब का यूज़ करूँगा, ठीक है। तुम लोग देखोगे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीज़ें बस याद रखना है, और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा फॉर्मूला मैंने दिया नहीं है, उसका हेडेक मत लो। और हाँ, मैंने इसको जो है लैम्डा को और एक फॉर्मेट में दिया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसा कुछ दिया था ना, 12.27, बस इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट क्लास में दिया है, हो सके तो इसको याद रखना क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बार यूज़ होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय क्या होता था, मेरा अगर ये फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती हो गया देख लेना एक बार, 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई रूट वी, ऐसा कुछ होता था। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, चार्ज क्यू ई है, ये भी पता है, एच का वैल्यू भी पता है, बस ये करंट सॉल्व करना था। अब यहाँ से सुनो, क्वेश्चन क्या दिया गया था, एन इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है 2020 का, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ वी, डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10^-2 नैनोमीटर, नैनोमीटर है, 10^9 है, -9 है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, ऑप्शन भी दे रहा है, ध्यान से देखो। अभी मेनली तुम्हारा मेन चीज़ है यही यूज़ होने वाला है, इनसे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा, तो एक बार देखते जाओ बस, ठीक है। और पुराने वाले फॉर्मूले के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सोल्यूशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, ये इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्टली लिख दिया 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय रूट वी। यार नोटिस करो, ये जो दिया गया है लैम्डा का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.227 इंटू 10^-2 नैनोमीटर है, मतलब 10^-9 भी है, 12.27 इंटू 10^-10 हो गया, डिवाइडेड बाई रूट वी। अब अच्छा देखो, ये 10^-11 आया, 10^-10 है, तो ये सब मैं हटा रहा हूँ, टिक 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 टिक, बचेगा कितना, 10^-1, और ये कितने से जाएगा, देखो ये टिक 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 टिक, ये 10 से चला गया। तो ये बार नोटिस करो, रूट वी का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट वी इस साइड आ गया, ये 10^-1 है तो इस साइड चला जाएगा, तो 100 हो गया, मतलब 10² हो गया, तो वी का वैल्यू जो आ रहा है मेरा 10^4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन में है नहीं है, हाँ ऑप्शन में है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है या नहीं मैं चेक करके दे रहा हूँ, 63D सही है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले याद रखोगे जल्दी जल्दी होगा, मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं दिया है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन वाला हो सके तो याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत बार पूछते हैं, तो वो डायरेक्टली तुम्हारे काम में आएगा। जैसे यहाँ पे ही ये क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था सेम ये 2019 में आया, ये 2020 वाला था, ये 2019, देखो फिर से एन इलेक्ट्रॉन आ गया, एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हर साल इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब लास्ट 2 साल से, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू ए पी डी लिख देता हूँ, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, 10,000 मतलब कितना हो गया, 1,000 मतलब 10³ है, तो 10^4 वोल्ट, ठीक है। इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन असल में पार्टिकल है याद रखना, तो लैम डी ब्रोगली वेवलेंथ ही आएगा, इज नियरली, ऑप्शन में दिया गया मैं दे देता हूँ, इज नियरली, ऑप्शन में एम इज इक्वल टू 9 × 10^-31 के जी, ये भी दिया गया, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, मैंने फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, हो सके तो बी 12.2 इंटू, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ये पहली बार या हर साल ही देता हूँ, और इससे तुम्हारा बहुत काम में आता है, 10^-12 मीटर एंड डी 12.2 × 10^-14 मीटर। अब ध्यान से देखो सोल्यूशन, ख़त्म कहानी, लैम्डा डी ब्रॉगली, ये तो पता है, मैं लैम्डा डी लिख दिया,
12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय रूट ओवर वी. सो 12.27 इन 10^-10 डिवाइडेड बाय 10^4 का रूट ना, सो 10 स्क्वायर हो जाएगा. 10 स्क्वायर मतलब 10^-12. तो 12.2 × 10^-12 खत्म कहानी. कुछ करना था क्या इसमें? तो इसमें तो एक लाइन में आंसर आ गया, तुम लोग देख पा रहे हो. तो ये सब हो सके, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी पे मैं फॉर्मूला याद रखने के लिए लोगों को नॉर्मली बोलता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ. देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट और एक टॉपिक में आज क्वेश्चंस. ये लंबा लेक्चर है, काफ़ी लंबा लेक्चर है, लेकिन मुझे ये पूरा टॉपिक ही निपटाना है इसलिए मैं करा रहा हूँ. एन इलेक्ट्रॉन, पूरा अच्छी तरह से सुनना, बीच में गैप लेना है, चाय पीना है, खाना खा लो, लेकिन खुद से ट्राई करते रहना, तुम्हें अच्छा लगेगा. और मास एम, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है पता है? 2018, नोटिस करो, 2018, 17, 18, 16, 15, हर साल आया है. 14, 13, 12. ओके, इस एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट कितने साल से, 2012, 11 से लेके 20 तक, लास्ट 10 साल से हर साल इससे क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमेशा से आ रहा है. तो ये तुम्हें टॉपिक देख लो, एकदम आसान वाला टॉपिक है. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोगों का भी मुझे मेहनत दिखना चाहिए. ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप है, वी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का कंपेयर कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. E is equal to minus E naught I cap, E naught equal to constant, greater than zero, at T equal to zero. If lambda naught is de Broglie wavelength, initially, then is de Broglie wavelength. Wavelength at time t is. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तुम अगर देखना चाहते हो, देखो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई कैप है और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नोटिस करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वी नॉट था और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रहा है. लेकिन नोटिस करो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू माई क्यू ई होता है ना, सो फोर्स इज इक्वल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस साइड लगने वाला है, ये तो पता है ना, ये तो मैं एटलीस्ट मान के चल रहा हूँ. ई इंटू E नॉट मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये फोर्स जो है, और तुम्हें फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो E इंटू E नॉट हो गया. सो नोटिस करो A का वैल्यू कितना आ गया, E इंटू E नॉट बाय M. ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया. तो अब एक चीज़ नोटिस करो, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, V नॉट, एक्सेलरेशन कितना है, E इंटू E नॉट बाय M. तो टाइम T के बाद वेलोसिटी कितना होगा, V आफ्टर टाइम टी V इज इक्वल टू U प्लस ए टी फॉर्मूला लगा लो, U कितना था, V नॉट प्लस E इंटू ई एम टी. अब एक चीज़ यहाँ से सुनो, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना बोला गया था इन लोगों ने, कहा गया था लैम्डा नॉट, सो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट है. अब तुम्हें क्या चाहिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो उसके फॉर्मूला में लिखा है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है. अभी डी ब्रोगली निकालना एट टाइम टी पूछा है, तो क्या लिखोगे, एच बाई एम वी लिखोगे. V कितना है नोटिस करो, एम वी मतलब ये फॉर्मेट जो है ना, कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया है. एक काम करना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, V नॉट, क्योंकि इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ था, एम वी नॉट इंटू टी लिख सकता हूँ, V नॉट कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बाई वी नॉट वन प्लस ई इंटू एम वी नॉट, तो यहाँ पे है ही एम पहले से रहा, V के बदले ये लिख दिया, ई इंटू ई बाई एम वी नॉट टी. तो ये कितना आ जाएगा, एच बाई एम वी नॉट इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, लैम्डा नॉट है इनिशियल वाला, लैम्डा नॉट 1 प्लस ई इंटू ई नॉट. मैं ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे और मतलब लंबे लंबे ऑप्शन थे, तो जल्दी से दे दिया. ठीक है, ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा. ठीक है, ये आंसर आ गया जो कि ऑप्शन में था ए. ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से आता हूँ और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. ओके, एक चीज बता देता हूँ, तुम्हारा एक बार एक्सरे से क्वेश्चन आया था, लेकिन तुम्हारा अभी एक्सरे नॉर्मली पढ़ाते नहीं है पहले जैसे था, अभी एक्सरे इतना एसेंशियल नहीं है, तो एक्सरे वाला क्वेश्चन मत करना, पहले ही बोल रहा हूँ.
तुम लोगों को देखना ऐसे ही लगता है कि आ जाएगा तो एक बार देख लेना, लेकिन एक्सरे आजकल नहीं पढ़ाते तुम्हारे लिए, नींद के लिए, ठीक है? ओके, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी ई, हैव सेम एनर्जी कैपिटल ई, ठीक है? द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेव लेंथ, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एन एंड फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, फोटोन मतलब वो लाइट का, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेव लेंथ, इसमें भी लोग बहुत गलती करते हैं, ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद डैम इस ऑप्शन ए सी ट्वाइस एम ई हाफ, बी वन बाई सी टू एम बाई ई टू द पावर हाफ सी वन बाई सी, और हमेशा ऑप्शन पे एक बार नज़र डालना है, उसके फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है? डी ई बाई टू एम टू द पावर हाफ। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड फोटोन बोला है ना, देखो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम और उसके पास एनर्जी कितना है ई, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी हो सकता है? फॉर इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करो, तो एम वी का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें क्या पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, याद है ना? तो डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय ट्वाइस एम ई होता था, तो ये एनर्जी पुट कर दिया उसी से आता था, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई लिख दिया। अब फोटोन के लिए तुम्हें अगर पता हो, लैम्डा फोटोन, देखो सी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ, ठीक है? लैम्डा फोटोन के लिए क्या होता है नोटिस करो, लैम्डा फोटोन तुम्हें अगर याद होगा एच बाई बी होता है, ठीक है? अब एक चीज यहां से सुनो, फोटोन का जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू, तुम्हें पता है ए सी बाई लैम्डा, ये तो ऑलरेडी पता है। और एक चीज होता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एक चीज यहां से सुनो, एक फॉर्मूला तुम्हारा यहां पे मैं लिख देता हूँ, एच बाई लैम्डा क्या होता है, एक बार नोटिस करो, एच बाई लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, एच बाई लैम्डा इज पी, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देखो लैम्डा फोटोन क्या लिख दिया, दोनों का एनर्जी सेम बोला गया था ना, मतलब दोनों का एनर्जी क्या दिया गया था ई, सेम एनर्जी, सो लैम्डा फोटोन क्या लिख सकते हो ए सी बाई ई, इस फॉर्मेट में लिख दिया लैम्डा फोटोन ऐसे कलर कितना आ गया ए सी बाई ई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना था, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाई लैम्डा फोटोन, ठीक है? जो बोला गया उसको करते जाओ, एच बाई टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इंटू ए सी बाई ई हो गया, नोटिस करो ये एच एच कैंसिल आउट, सी तो नीचे रह गया, नोटिस करना ये ई चला जाएगा, लैम्डा ई बाई लैम्डा फोटोन ऐसे कलर कितना आ रहा है, नोटिस करो ये ई ऊपर चला गया रूट ई, वन बाई सी यहाँ है और एम टू एम ई टू एम यहाँ हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, लेकिन यहाँ पे टू एम वन बाई सी होना चाहिए था, ई बाई टू एम रिपार हाफ, ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन तुम्हारा सी। ये समझ पा रहे, इसमें जस्ट कंपेरिजन था और उसको बस सॉल्व करना था, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि तुम लोग भी एटलीस्ट घर जाके कुछ ना कुछ कर पाओ। ओके, एक क्वेश्चन था तुम्हारा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये सब भी मतलब आसान क्वेश्चन है, ये इतना हार्ड नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं देता, लेकिन जो एसेंशियल है वो तो मुझे बताना ही होगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर इस इंसिडेंट ऑन ए मेटल विद वर्क फंक्शन, विद फाइव लिख देता हूँ 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन ही है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी डी ब्रोगली वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन ए दे देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, बी लेस देन इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, सी 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, डी लेस देन 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9
मीटर, ठीक है, ऐसे रेडियो, बहुत सारे रेडियो। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, देखो मैं बस प्रोसेस बता देता हूँ और ऑप्शन क्या होगा वो फाइनल बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में मानता हूँ तुम लोग होनहार स्टूडेंट हो, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सोल्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के मैक्स क्या होगा जो निकलेगा, ए सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। यहाँ पे एच का, और वहाँ पे तुम्हें एक चीज़ पता है, 1 to 400 आर्मस्ट्रॉन्ग में, जब लैम्डा को आर्मस्ट्रॉन्ग में पुट करूँगा और नैनोमीटर में अगर पुट करोगे तो 1 to 400 डिवाइडेड बाय 500 पुट कर दो, ठीक है। माइनस फाइव कितना है, 2.28। नोटिस करो ये 2.48 आएगा मेरे हिसाब से, ये के मैक्स का वैल्यू 2.4 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था, नैनोमीटर में पुट करोगे तो 500। देखो लैम्डा के तुम्हारे पास अगर याद होगा, ए सी बाय लैम्डा को दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 to 400 बाय लैम्डा ये आर्मस्ट्रॉन्ग में था, या फिर 1 to 400 डिवाइडेड बाय लैम्डा ये नैनोमीटर में था। तो इसके इसमें नैनोमीटर वाला यूज़ कर दिया, कितना हो गया 2.48 होगा, देख के मुझे पता लग रहा है ये 2.48 होगा, माइनस 2.28 तो 0.2 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद तुम एक चीज़ नोटिस करो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो 0.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ हो गया, ये जूल में आ गया, जूल में कन्वर्ट करना है लास्ट में पुट करने से पहले। लैम्डा डी ब्रोगली एनर्जी के फॉर्मेट में पता है ना, जैसे अगर एज बाय ट्वाइस एम इंटू ई, एनर्जी यही तो एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन गिरा, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, उसी का तो एनर्जी है, उसी का डी ब्रोगली पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम का वैल्यू पता है 9.1 × 10⁻³¹ के जी, ई के का वैल्यू पता है, कैलकुलेशन कर देना, ठीक है, कैलकुलेशन कर पाओगे मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ ऐसा, मतलब जो भी आता है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये के ही क्या था मैक्स, लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हें पूरा सॉल्व किए बिना भी इसको कर सकते हो। मुझे बताना के ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या बहुत सारे, बहुत सारे। किसी का एनर्जी जीरो के आसपास भी होगा, जस्ट मुड़ के निकले 0.00000001, किसी का यहाँ तक होगा, इतना एनर्जी होगा, किसी का इससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन देखो नोटिस करो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये मैं मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, ई के है ना, ये यहाँ पे क्या पुट करूँगा, के ई मैक्स पुट करूँगा, तो यहाँ पे लैम्डा डी ब्रोगली मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, मिनिमम मिल रहा है। लेकिन मुझे पूछा है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका इमीडिएट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑप्शन देख के बता सकते हो, ठीक है। खुद सोचो अगर एकदम जीरो बहुत छोटा होता तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाले भी होंगे, ये समझ पा रहे हो। और इसका वैल्यू कुछ पुट करोगे वहाँ से भी कुछ आंसर आएगा, लेकिन मतलब बहुत छोटा वाला भी होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा वाला भी होना चाहिए, बड़ा वाला तभी होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू आए, ग्रेटर देन इक्वल टू बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इन्फिनिटी के आसपास भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल बोलो तू, समझ आ रहा है। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें ये बस गुमराह करने दिया हुआ है कि कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी से देखो क्वेश्चन, देखना ये ग्राफ पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वेरिएशन मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमवी होता है, इसका ग्राफ बनाना था, ठीक है, ग्राफ ऑप्शन दिया था, ये मोमेंटम पी होता है ना उसके साथ रिलेट करना था, ये पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा लिख दिया। नोटिस करो ये तो कॉन्स्टेंट है, सो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ये पी था ये लैम्डा था, ग्राफ कैसा बनेगा, अरे तुम्हें पता ही है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाला खत्म कहानी, ये क्वेश्चन था, ऐसे ही बोला गया, एक क्वेश्चन था। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज, पूरा क्वेश्चन से करा रहा हूँ, तुम लोग भी जितना भी प्रैक्टिस करना है कर लेना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 times इज प्रीवियस वैल्यू the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is, ये खुद से कर पाओगे कितना परसेंट चेंज होगा, नोटिस करो तुम्हें पता है लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एज बाय ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ई के मैंने लिखा था, इसको कितना टाइम्स बढ़ा, इस इंक्रीज टू 16 times बढ़ाओगे इनिशियल मान लो, ठीक है, डी ब्रोगली फाइनल
इसे गलत कितना लिखोगे, नोटिस करो, एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 16 ई के, क्योंकि 16 टाइम्स चेंज बढ़ाया 16 ई के, तो कितना हो गया एज बाय 2m, ये 4 बाहर आ गया और फिर से सेम टर्म आएगा, मतलब लैम्डा डी ब्रॉगली इनिशियल, ठीक है, डी ब्रॉगली इनिशियल। नोटिस करो पहले जितना था उसका कितना बचा 1/4, तो मुझे बता दो खुद से आंसर कितना होगा, ये बता दो कितना चेंज हुआ, मतलब अभी लैम्डा डी ब्रॉगली अगर देखोगे चेंज अगर निकालना है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि घटा है, डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100 अगर करोगे तो मैं कितना परसेंटेज चेंज आएगा, देखो ये 0.25 है, 75% आएगा, रे खत्म कहानी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम लोग अटेम्प्ट करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का ये सब कन्फ्यूजन में मत रहना, फोटोन अभी एक क्वेश्चन मैंने फोटोन इलेक्ट्रॉन का करा ही दिया, रेशियो डी ब्रॉगली का, ठीक है। ऐसे ही कभी कभार तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, जैसे अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछ लेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, चलो एक क्वेश्चन और करा ही देता हूँ। एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा डी ब्रॉगली निकाल, लैम्डा डी ब्रॉगली, नोटिस करो रेडियस इतने में घूम रहा है, रेडियस इज इक्वल, तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तुम लोगों ने इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो इसमें मैग्नेटिज्म भी कंबाइन हो रहा है। ये पुराने क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड वाले थे, मैं अप्रोच बता रहा बस, ठीक है, बस अप्रोच बता रहा। एक बार नोटिस करो, आर इज इक्वल एम वी बाई क्यू बी, मुझे यहाँ से रेडियस पता है, ठीक है, मुझे रेडियस पता है, आर पता है, आर का वैल्यू कितना है 0.83 सेंटीमीटर, 83 × 10⁻²² लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, अल्फा पार्टिकल है मतलब उसके पास चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, सो क्यू के बदले 2e लिख दिया, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ लिख दिया। उसके बाद बी था ना, बी को क्या लिखना था, बी कितना था 0.25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एम वी आ जाएगा, एम वी का वैल्यू जो भी आता है निकाल लेना, ठीक है, एम वी का आ गया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच बाय एम वी, तो यहाँ से जो एम वी का वैल्यू आया वो पुट कर देना, वही आंसर आ जाएगा, 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने, कैसे अप्रोच करना है वो बताने, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब ईजी है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक करा रहा हूँ इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, बाकी खुद से अटेम्प्ट करना, जितने भी होते हैं खुद से ट्राई करोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इसके बाद और एक टॉपिक है वो भी आज मैं करा ही दूंगा, तुम्हारा ये पूरा ख़त्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन्स आर यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सीलरेटेड बाय ए वोल्टेज ऑफ 25 kV, ठीक है। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू, ये आसानी क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 100 kV, then the de Broglie wavelength associated with the electrons would be would increase by 2%, decrease by 2, ऐसे कुछ पूछा था, ठीक है। नोटिस करो सॉल्यूशन है, यहाँ पे वोल्टेज है ना, तो लैम्डा डी ब्रॉगली जैसे कल एज बाय ट्वाइस एम क्यू वी वाला फॉर्मूला, ई के क्या बदले क्यू वी लिख लिया, पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 100, मतलब 4 times बढ़ा दिया, ये इनिशियल था, लैम्डा डी ब्रॉगली फाइनल कितना लिखूंगा, नोटिस करो एज बाय ट्वाइस एम, बाकी सब कुछ तो सेम है, क्यू इंटू कितना वी हो गया, ये 25 kV था, 400 kV, मतलब 4 times 4V लिख दिया ओरिजिनली, तो एज बाय टू ट्वाइस एम क्यू वी, मतलब
इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया, आधा, सो डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। ये समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत है तुम लोगों को? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये 70 इस वाले क्वेश्चन में मतलब ये आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखना, लैम्डा इनिशियल का आधा हो गया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला सुनना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा तुम्हारा ये यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 66। ये तुम्हारा दिशा में अगर दिया हुआ है तो देखोगे इसमें क्या होता है, एनर्जी को तुम्हारे इसके फॉर्म में लिखना है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट न्यूट्रॉन। इसके लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दिया। न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर, विथ हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर टी केल्विन एंड मास एम, एंड मास एम इज ऑप्शन, ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली लिस्ट सॉल्यूशन करा रहा। तुम लोगों को अगर प्रीवियस ईयर इसको देख पाओगे, एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन हर केस में नहीं होता, पहली बात बता देता हूँ। कभी कभी हाफ के टी होता है, कभी कभी 3/2 के टी होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देखो तुम्हें अगर याद होगा एक साइड के लिए हाफ के टी होता था, याद है, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऐसे 3D के लिए कितना, तुम्हें 3 अगर होता था इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर, एक साइड हैवी वाटर एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी, ये तुम्हारा इससे यूज हो रहा, हीट एंड थर्मो से इज गिवन एज, लेकिन इसमें भी दो केसेस होंगे, के इज इक्वल 3/2 kT। मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, देखो ए लैम्डा इज इक्वल क्या होता है, एच बाय वाई सेम, काइनेटिक एनर्जी होता था, एनर्जी होता था, मतलब क्या करोगे यहाँ पे, एच बाय वाई सेम इंटू 3/2 kT पुट कर दो, यहाँ पे जो भी आंसर आता है लैम्डा इज इक्वल एच बाय 3 mkT। लेकिन याद रखना किसी किसी केस में ये हाफ के टी भी होता है, ये तुम्हारे हीट एंड थर्मो में होपफुल तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अब और कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा कर दिया आज मैं, इसी वीडियो को ऑलरेडी डिवाइड करने वाला था तो डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो चीज़ें हैं वो कराने वाला, ठीक है। वही देखो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन थे, 2012 तक ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, आजकल नहीं पूछते, क्वेश्चन टफ है थोड़े से, लेकिन कर सकते हो। अभी जो मैंने इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया था, तुम लोगों को अगर याद होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू AC बाय लैम्डा इज इक्वल टू HF। एन फोटोन्स है तो टोटल एनर्जी कितना होता था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू 1 फोटोन, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें और एक चीज़ पता होना चाहिए, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, नॉर्मली तुम्हें इसका यूज़ करना पड़ेगा ही नहीं, आजकल तो यूज़ होता ही नहीं है, एन इंटू एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि पावर होता था एनर्जी टाइम, ये हम लोगों ने बार बार किया था। और तुम्हें अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ देखना अच्छी तरह से, 2012 का क्वेश्चन है, ये पुराने क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। ए 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प एमिट्स येल्लो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 micrometer, ठीक है, एज्यूमिंग इट टू बी 25% efficient इन converting इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पहले हार्ड क्वेश्चन है, ये सब हार्ड में आता है, ये हार्ड में आता है, इलेक्ट्रिक 2012 का क्वेश्चन है, आजकल इतने नहीं पूछते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, देखो
25% इफ मतलब वही यूज होगा लाइट में कन्वर्ट करने के, द नंबर ऑफ फोटोन्स, द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ येलो लाइट लाइट इट एमिट्स पर सेकेंड इज, पर सेकेंड इज, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितना परसेंट एफिशिएंट है, 200 वाट में से कितना परसेंट यूज होगा, एफिशिएंट यूज पावर, मतलब ये जो पावर डिलीवर करेगा ना उसमें से कितना परसेंट ये होगा, 25% लाइट में, 25/100 × 200 ये कितना वाट होगा, 50 वाट पूरा का पूरा तो मान सकते हो लाइट में कन्वर्ट होगा, तो ये पावर यूज हुआ। अब देख ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटोन्स इट एमिट्स पर सेकेंड, एक बार नोटिस करो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें अगर याद होगा, इंटेंसिटी और यहाँ पे एनर्जी भी दिया हुआ, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन, एन इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स, नीचे टाइम था ऊपर एरिया था और यहाँ पे तुम्हारा एच एफ था, या फिर अगर तुम्हें पावर से करना है, पावर इज इक्वल, देखो यहाँ से पावर से हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो एन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाई टाइम, वही तो हम लोग किए थे, कितना पावर कन्वर्ट हुआ, 50, एन नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, यही तो हो गया, एन बाई टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है, ए सी बाई लैम्डा, लैम्डा तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे देखना एन बाई टी इस, इसको एक नाम देते हैं, इस इक्वल तो मैंने लिख दिया कैपिटल एन, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स है ये टाइम है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हमें वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, 50 × λ बाई एच सी, नोटिस करो यहाँ पे अगर तुम्हें सॉल्व करना है, ये वाट में मैंने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू तुम्हें पता है, सी का वैल्यू भी तुम्हें पता है, क्वेश्चन में बस तुम्हें सॉल्व करना है, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके जल्दी से दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है ये कितना आएगा, एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एच का वैल्यू 50 × λ कितना दिया था अपना, 0.6 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 × 10⁻³⁴, लाइट का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸, यहाँ पे ये नंबर ऑफ फोटोज पर सेकेंड ही आने वाला है, तो नोटिस करना यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, कितना होगा तुम्हारा ये, मेरे हिसाब से एक बार नोटिस करो, ये 11 चला गया, 33 हो गया, 33 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10, 11, 33 1.5 तो हो गया, 50 था ऊपर, 10⁻⁶ है, 10⁻¹⁴ हो गया, ओके 10⁻⁴ यहाँ पे −14 लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, सो 10⁻⁻⁰ ये 20 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये सब हार्ड क्वेश्चन थे लेकिन तुम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, मैं हर टाइप के प्रॉब्लम्स में कवर कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा टॉपिक ही ओवर मतलब ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना, मैंने जो कुछ फॉर्मूले दिखाया रहा हर एक का यूज़ करा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये सब जो क्वेश्चन ये बहुत पहले आते थे जब हार्ड थे, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ देख लेना, मैंने ये टॉपिक भी कवर कर दिया है। SO(S1) इज प्रोड्यूसिंग 10⁵ फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अनदर सोर्स S2 इज प्रोड्यूसिंग 1.02 × 10⁵ फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग, then power of S1 divided by power of S2 sorry power of S2 divided by power of S1 is option A 1, B 1.02, C 1.04, D 0.98। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा आंसर मिल जाएगा, नोटिस करो पावर पूछा है ना, P2 डिवाइडेड बाई P1, P2 को क्या लिख सकते हो, N2 लिख दिया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन E2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई टी लिखूंगा, ठीक है, और ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड है, N2 / T2 मान लो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देता हूँ, P = N * E, एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाई टी था ना,
एन बाई डी को मैं कैपिटल एन लिख सकता हूँ, अभी जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था। तो यहाँ पे नोटिस करो, पी टू बाई पी वन मैं ऐसे लिख दिया, पी टू बाई पी वन ऐसे करो कितना लिख दिया, एन टू बाई एन वन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा, ए सी बाई लेमडा टू इंटू ए सी बाई लेमडा वन। अब एक चीज नोटिस करो, पी टू बाई पी वन पूछा एन टू कितना दिया हुआ है, एस वन का पावर ओके एस टू का पावर है फोटोन्स कितने, 1.02 इंटू 10^15, इसका कितना है, ऊपर वाले का कितना था 10^15, इसके ए सी बाई लेमडा वन ऊपर चला जाएगा, लेमडा वन कितना है और नीचे लेमडा टू आएगा, लेमडा टू शायद 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है यार मेरा ये क्या काम नहीं कर रहा, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग देखो इंटू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे नोटिस करो ये सब, तो ये ऐसे ऐसे गया, ये ऐसे था, ये 1.02 ही होगा, ये सब कैंसिल, 1 ही आ रहा है मेरा रेशियो, तो आंसर मेरे हिसाब से तो 1 ही होना चाहिए। ठीक है फिर भी एक बार चेक करके दे देता हूँ, रुको आंसर कितना है तुम्हारा इसका, 1। ठीक है अब यहाँ से सुनो नंबर, तुम लोग ऐसे ही देखो मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे, एन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाई ए टी होता है, तो एन बाई टी को एन इंटू ई वन फोटोन बाई ए, पावर के लिए तो अभी मैंने दे ही दिया। ठीक है पावर का क्या, एन इंटू ई वन फोटोन, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10^14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस बाय लेजर, किसने प्रोड्यूस किया फर्क नहीं पड़ता, इज प्रोड्यूस बाय लेजर, बाय लेजर द पावर एमिटेड, द पावर एमिटेड इज 2 × 10^-3 वाट। ठीक है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, फोटोन्स एमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड इस। ठीक है मैं हर टाइप के प्रॉब्लम कवर कर रहा हूँ ये सब, लेकिन पुराने क्वेश्चन है बार बार बोल रहा हूँ, बी 5 × 10^17, सी 5 × 10^14 एंड डी 5 × 10^15। ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पावर इज इक्वल एन इंटू वन कैपिटल एन इंटू वन फोटोन, मुझे एन ही निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ही पूछा है, पावर कितना है, पावर कितना था रे 2 × 10^-3 और यहाँ पे ये कितना था फ्रीक्वेंसी, ये दिया हुआ है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एच एफ लिख दो, एच एफ मतलब 6.626 लिख दिया, एन इंटू 10^-13 ऐसे ही रहने दो, 6.6 × 10^-34 एफ का वैल्यू कितना है 6 × 10^14। क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे, सब लोग कैलकुलेट कर पाओगे ना, इसको जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे जल्दी से आंसर बताना कितना होता है, मतलब बताओगे कहाँ से। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर अगर तुम देखोगे कितना आएगा, खुद से सोचो कैलकुलेशन कर लो, एन का वैल्यू शायद 5 × 10^ जो ऑप्शन है वही मैं टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत नहीं होगा, यही होगा, ये समझ पा रहे हो। चलो आज के लिए मैं इतने पे ही समाप्त कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था, मैं दो पार्ट में ही डिवाइड कर दूंगा इसको, तुम्हें वो पता भी नहीं लगेगा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है।